स्त्री है। हॉरर फिल्म बनाओ तो ये सब हरकतें होती रहती है। हम तो एकदम से तैयार हैं, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं आप सबके साथ हमारा बहुत ही बेहतरीन स्त्री 2 का ट्रेलर शेयर करने को। लोगों का लोग इंतजार करें कि आप रियल लाइफ में कब वो स्त्री है, उसे जब दुल्हन बनना है वो बनेगी। क्या बात है, ये बिजनेस कंटिन्यू रखिए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? यस यस आज है, यू स्पेशली डन दिस। यस ओके, तो हम सब तो तैयार है फॉर दिस मोमेंट। इनसे पूछ लेते हैं क्या आप तैयार है फॉर द ट्रेलर, आर यू रेडी? हॉरर फिल्म बनाओ तो ये सब हरकतें होती रहती है। हम तो एकदम से तैयार है, हम तो बहुत एक्साइटेड हैं आप सबके साथ हमारा बहुत ही बेहतरीन स्त्री 2 का ट्रेलर शेयर करने को। उससे पहले जो है थोड़ा सा हम लोग पुरानी बातें करते हैं, मतलब इससे पहले स्त्री बनाई थी 2018 में, मुझे तो बहुत डर लगा था, है ना। रुद्रा भैया ने बहुत ज्ञान दिया हमें, और हमारा जो बहुत ही खास मित्र है हमारा पिट्टू, वो भी लंदन में है पर उसको बहुत मिस कर रहे हैं हम, ऑफ कोर्स अपार शक्ति को। अपार शक्ति के लिए गाइस, तो स्त्री में तो चोटी काट दी थी, है ना, फिर ऐसा बोलते हैं कि स्त्री दीदी चली गई थी, तो फिर क्या लगता है अभी इस बार आएंगी नहीं आएंगी, क्या होगा वो तुमको बताओगा? अरे क्यों बुला रहे हो यार, बहुत डर लगता है उनसे हमें, इतनी मुश्किल से बचाया चंदेरी को, अभी दोबारा बुला रहे हो आप लोग? हाँ आप अपने साथ ले जाओ, रात को सुलाओ अपने साथ, स्त्री है। अरे स्त्री कभी ना, स्त्री का ट्रेलर कैसे चला क्या कर रहे हैं? एक स्त्री आएगी यहाँ तो बहुत सारी स्त्री आ गई है, लेकिन हमको इसमें से अपनी वाली को ढूंढना है। यस तो देखो उन्होंने हट गए, प्यार से बोलो सब हो जाता है, तो अपनी वाली को ढूंढना है ना। मुझे बोल के गई थी दिल से याद करना तो मैं आ जाऊंगी, नाम तो बताया भी नहीं था। कौन सी वाली है जानते हैं? मुझे लगता है Let's see. नहीं, क्या वो ढूंढ पाते हैं? नॉर्मली तो स्त्री से भागते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे लगता है ये जो है ये है। इस स्त्री का बजट ज्यादा है बाकी स्त्रियों से। कैसे हो आप सब? यार हम सब तो बहुत एक्साइटेड है और बहुत नर्वस भी है, एंड ये फिल्म हम सबके लिए, मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, और तो देखे साथ में ट्रेलर क्या बोलते हैं? हाँ भाई बिल्कुल जला दे, देख ही लेते हैं साथ में। 6 साल लग गए हमें बनाने में, आप लोग एक्साइटेड हैं? तो 3-2 का ट्रेलर चलाए। ऑलराइट आप सब आ जाइए नीचे, थैंक यू सो मच। 3 वाज अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी बिकॉज़ आई गॉट टू मीट माय ब्रदर, आई डोंट हैव अ ब्रदर, अमर कौशिक, हुज मैड डॉग इज एज मच हिज कंपनी एज माइन। इट वाज माय फर्स्ट कोलैबोरेशन विद श्रद्धा एंड दिस इज माय सेकंड कोलैबोरेशन विद श्रद्धा व्हिच इज 3-2। राजकुमार हुज as much part of Mad Dog as anyone else, it was our first film, and I think first film with Pankaj is a lot of firsts, and I think Stree put us on the map, and I, while watching the trailer, there were so many emotions running through my head, because I remember in
one lobby when Stree opened, and all of you actually made it what it is, and we were also so surprised with Sunday. And I hope, I really feel Amar has outdone himself in the film, and you know, I think he's the captain of this ship, and he's not slept all of last night for the right reasons. Also, it was my first film with somebody who's actually mentored me, Jyoti Deshpande and Jio Studios. But our Kundli, I think, gets a little bit. And it's done well for us. So I'd like to introduce Jyoti. Jyoti, please come up and say a few words. This studio's first, very first film was Stree. And of course, I knew Dinesh for a very long time. And we worked together even before that. And like he said, Hamari Kundli Milti Hai. We've had a spate of very, very good releases together. But Stree will always remain special. Because at that time when Stree was launched, that genre, abhi hum horror comedy ekdam asani se bolte the, jaise ek genre hai. But this was the film that defined that genre. I remember, you know, generally they say studios बहुत ज़्यादा पैसा देखता है, एक्सेल शीट बनाता है, कैलकुलेशन करता है, but all those years ago हमने मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये सब में मतलब उतना ही पैसा लगा दिया था जितना जितनी की फिल्म थी, so we really believed in the film and we said it must reach far and wide and the rest as they say is history, you know एक जो बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी जब भी हम ये फिल्म बनाते हैं बहुत सारे मायने लगते हैं बहुत सारे लोग उसमें जुड़े होते हैं बट ऐसे जब फिल्म बनती है इतनी पॉजिटिविटी के साथ मस्ती करते करते उसका रिजल्ट ऑलवेज बहुत अच्छा होता है सो वी होप फॉर ऑल योर लव एंड ऑल योर दुआज थैंक यू वेरी मच Yeah, opening for the media questions. I'm sure you have lots of them. We have mics in the audience. So we request you to please shoot out your questions. Also tell us your name as you ask your question. Shraddha, I love you! Hello, hello. That's a yo. This side. इस साइड आपको हाथ लगा यहाँ पे आपके राइट उनके राइट बोलो हाय विशाल अंबानी हाय विशाल ज्योति मीट मिस्टर विशाल अंबानी अंबानी आई नॉट मेट राज एक इंटरव्यू में आपने जिक्र किया था कि स्त्री बन के एक सीन में काफी सारी चीजें हो गई थी आपने रियल भूत को भी महसूस किया था स्त्री टू में ऐसा कुछ हुआ था ड्यूरिंग द शूट कुछ ऐसा चीजें आपने कुछ महसूस की थी यार बच गए इस बार हम इस स्त्री वन में जरूर हमने ऐसा महसूस किया था पर स्त्री टू की शूट पे तो आई थिंक इस बार जो हमारी फिल्म में जो सरकटा बने हैं उनको जब आप रियल लाइफ में अगर देखेंगे ना तो वैसे ही हो जाएगा क्योंकि वो वाकई में बहुत एक्चुअली हमने अमर को बोला भी था क्योंकि हमने कुछ दिन शूट किया था हम जब बात करते कि सरकटा सरकटा फिर हम वो आए कुछ दिन बाद शूट पे 10 दिन बाद तो हमने अमर को बोला वापस रीशूट करें बिकॉज हमें पता नहीं था कि ये होने वाला है सरकटा क्योंकि फिर और ज्यादा डर लगता उनको देख के बट हाँ वो हुआ था उसके अलावा कुछ ऐसा स्पूकी एक्सपीरियंस नहीं हुआ बट फिल्म अपने आप में आप देखेंगे तो ऑफकोर्स जैसा कि स्त्री वन भी थी कि 80% कॉमेडी है 20% थोड़ा हॉरर है लेकिन उसमें भी हम आपको हंसाएंगे तो वैसा ही है जी मेरा सवाल श्रद्धा जी से है श्रद्धा जी जी इन समर्थन से शिवली रामपुरी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपने अब तक लेडी डॉन का भी किरदार निभाया और आपने रोमांटिक भी भूमिकाएं निभाई और हॉरर भूमिका में भी अब आप आई हैं तो आपको इन सारे जो अपने रोल प्ले किए कौन सा रोल सबसे ज्यादा अच्छा लगा दिल के करीब कौन सा रोल है आपकी ऑडियंस बोल कर सकती हूँ एक्चुअली एज एन एक्टर आई थिंक दैट ऑल ऑफ अस विल अग्री कि बहुत टफ होता है चूज करना कि कौन सा किरदार सबसे फेवरेट है
I think as an actor you get an opportunity, a great opportunity to play different characters. आप अलग अलग दुनिया का हिस्सा बनते हैं, अलग अलग characters जीते हैं. तो definitely बहुत difficult है. Each character becomes a part of me, I feel. तो even वो Lady Dawn भी मेरे अंदर है अभी. And पर मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि if you guys would choose a character of mine, आपको कौन सा पसंद है? आरोही. And आरोही from आशिकी. Yes. तो आई फील कि अल्टीमेटली ऑडियंस डिसाइड करती है. स्त्री में जो किरदार है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए. आई हैव नॉट डन अ पार्ट लाइक दिस. और इस फिल्म में भी और ज़्यादा कुछ स्पेशल है. तो आई होप ऑल ऑफ यू विल लाइक इट. पंकज सर, योर सेंटर राहुल फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. फर्स्ट स्त्री में तो हमने देखा कि वो स्लोगन एक था, ओ स्त्री कलाना. क्या रियल लाइफ में अगर इतनी खूबसूरत भूत आपको मिले तो क्या रिएक्शन होगा? बोलेंगे कल आना या मत आना, क्या किस तरह का रिएक्शन होगा? वो इससे मत जाना. ये तो वनलाइनर आंसर हो गया सर, अपनी फीलिंग थोड़ा सा जाहिर करें. ओ स्त्री आते रहना. बहुत साल पहले कि जो स्त्री थी वो आ चुकी है और वही रहेंगे जिंदगी भर. आप ऐसे पिटवाने वाले क्वेश्चन मत किया करो, घर भी जाना होता है वापस. राजकुमार, बैक टू बैक अभी फिल्म में आपकी माही और श्रीकांत, ऐसा फील हो रहा है कि सच में बॉलीवुड के राजकुमार, नाम तो जस्टिफाई कर रहे हैं, राजकुमार बनते जा रहे हैं बॉलीवुड के आप? हाँ, तो ट्रेलर में भी है ना वो, अब लगे ना असली राजकुमार. श्रीकांत और माही की सक्सेस के बाद अब स्त्री आई है, तब बने असली राजकुमार. What is your expectation? I think if that's the cake, this is the cherry on the cake. If that's the cake, this is the baker. Jyoti? Hello? This side. This side. Hi, this is Aruna from Bollywood Society. My question is for you. Street को release हो रहा है Independence Day के दिन, और जो वो weekend में release हो रहा है वहाँ पर और two big films भी release होने वाली है, clashes होने वाला है. तो Street उसे क्या कुछ expectations है in spite of knowing the fact that Street was a super hit in 2018. See, whenever a film is ready to clash, that means we're coming with the feeling कि जो जीता वही सिकंदर. So we are super confident. On a lighter note, साल में जितने 52 weeks हैं, श्राद्ध में हम नहीं आते, IPL में हम नहीं आते, रमजान में नहीं आते, फिर कोई एक आधा खान आ गया तो हम नहीं आते, एक आधी बड़ी साउथ फिल्म आ गई तो हम नहीं आते, बचे 20 week, clash तो होगा ना, तो survival of the fittest, jungle law. From Bollywood Film Reviews. So you just said that the Dawn still exists in you. So does the three, the Bhutani is still there now? And what was your feeling when you were doing it? Did you yourself feel some negative energy? Kuch experience tha aapka? One and two dono mein? Is the Bhutani and me? Yeah. Sorry, ma'am. Yaar, I wish, because jo Bhutani ke superpowers hote hain, वो बहुत कमाल होते हैं. तो आई विश कि यू नो जो भूत कर सकते हैं वो उड़ सकते हैं और सकते हैं और अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं. आई विश कि वो सुपर पावर मुझ में होती. लकीली एज एन एक्टर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं, आपको वो रिग विग पे डाल के ना उड़ाते हैं सेट पे, तो वो भी फीलिंग आ जाती है. तो पर नहीं यार, मतलब सुपर पावर्स तो Do you think you have them in you? Who says they're negative? I mean to say those superpowers.
वो पूछ रहे हैं आपने कभी अपनी चोटी से किसको रियल लाइफ में मारा है क्या? Have you ever done some evil in life? See, this choti has done is a khatarnak one in this one. ये चोटी मतलब इससे अगर आपको पड़ती है ना तो बहुत जोर की लगेगी आपको. तो I'll say कि मजा आया. As you saw in the trailer, इसको ये करने में बहुत मजा आया. थैंक यू थैंक यू. इलेक्ट्रिक 20,000 वॉट की चोटी है ये. हेलो, माय क्वेश्चन इज फॉर यू. सबसे पहले तो आई वांट टू कंग्रेचुलेट फॉर मुंद्रा एंड स्त्री. एंड माय क्वेश्चन इज दैट कैन यू टेल अस समथिंग मोर अबाउट द हॉरर यूनिवर्स? You have to watch the film. But something that we don't know. Something. So I tell you, Stree 2 is like the mothership. It answers a lot of questions that Stree 1 raised. It also tells you what the connections are. What will come next after Stree would be a film called Thama, which we'll tell you a little bit later about. We've already written Stree 3, so the gap will be less. So give it a lot of love. One thing I can tell you about Stree is it is bigger, madder, crazier. The trailer is only 10% because, you know, it has a lot of visual effects in it. And, you know, we want to leave that for the theatre. But if you come in, I think it is Maddox's most paisa vasool film. So if you come to the theatre for 2 hours, 20 minutes, I think you will see popcorn fly. That's how sure we are. So let's hope you enjoy it because we've enjoyed making it. Thank you, sir. We're really excited. Aaj ki raat, aaj ki raat, maza hoost ka aankhon se lijiye. Aaj ki raat, maza hoost ka aankhon se lijiye. थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए. थोड़ी फुर्सत भी मेरी जा कभी बाहों को दीजिए. आज की रात मजा आंखों से लीजिए. आज की रात मजा हुस्न का बहुत सुरेलो. But like how we always say, this music is a duo, but this is a trio. I think हम लोग तीन जब मिलते हैं तो हम कुछ we can make it a perfect square with Amar. Alright. चांडाल चौकड़ी. और इस वाले गाने में जो अच्छा इसके बारे में हम और नहीं बता सकते. हम बस नहीं सॉरी आई जस्ट टेक वन मोर सेकंड. वन इंटीग्रल पार्ट इज द लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य. ही नेवर कम्स फॉर द लॉन्च. आई थिंक उनको स्त्री से बहुत डर लगता है. बट हिज लिरिक्स इज अमेजिंग. वन मोर टाइम ही हैज डिलीवर्ड एंड आई एम होपिंग कि जस्ट लाइक स्त्री 1 इसके गाने भी आप लोगों को पसंद. जिस प्रकार आज आपका अटायर है, लुक है, आपका लुक है और जैसे आप दुल्हन बनकर आई हो, ये तो अभी का था. तो आप लोगों का लोग इंतजार करें कि आप रियल लाइफ में कब दुल्हन बनेंगे. वो स्त्री है, उसे जब दुल्हन बनना है वो बनेगी. और इस बार स्त्री का बॉयफ्रेंड भी आया ना सरपटा, तो आप थिएटर में देख लीजिए क्या शादी होती है. महेश माइक ले जाओ. आपने आने वाली तीन फिल्मों की जो तारीख चुनी है वो बहुत ही शानदार है, चाहे वो इंडिपेंडेंस वीकेंड हो या फिर दिवाली हो या फिर क्रिसमस हो. लेकिन इन तीनों फिल्मों के साथ कहीं ना कहीं और बड़ी फिल्में भी रिलीज हो रही हैं. चुनते समय इन तारीखों को क्या ध्यान में रखा, किस तरह का कॉन्फिडेंस के यार? एक तरफ आमिर खान की फिल्म होगी आपके क्रिसमस के मौके पर, तो किस तरह का कॉन्फिडेंस इन तारीखों को चुनते समय आपके दिमाग में था? सर,
आंसर किया था कि इतनी सारी वीक्स तो है ही नहीं क्लियर एक साल में, 20-30 हफ्ते रहते हैं और इतनी सारी फिल्में बन रही है, नॉट जस्ट हिंदी बट मराठी भी बन रही है, पंजाबी भी बन रही है, बहुत सारी लैंग्वेजेस की बन रही हैं, तो हम अपनी कंटेंट को लेके एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं अगर अगर वी कैन बैक द प्रोडक्ट हॉलीडे वीकेंड में मैक्सिमम यू नो एटलीस्ट 2-3 पिक्चर आ ही सकती हैं साथ में, तो आई थिंक हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं हमारी पिक्चरों को लेके। My question to you, Rajkumar sir. Hi sir. Sir Rajkumar sir. Haan ji, yes, got it. Mil gaya. Aapne pichli jo film ki thi Shrikant, aapki kafi badhiya film thi aur bahut logon ne pasand kiya tha including me. Character mein ekdam aap ghus jaate hain, ye to pata chalta hi hai. To ye inspiration aap kahin se lete hain ki khud ko bahut baar baar aaine ke samne dekh kar aisa kuch karte hain ya koi inspiration? Aaine ke samne to main bilkul dekhta hu aapko. वो सुबह सिर्फ एक बार नहाने के बाद जब लाली पाउडर लगाते हुए क्रीम भी दस्ता भी, उसके अलावा नहीं। बट ऑनेस्टली आई थिंक हर फिल्म की अलग डिमांड होती है, हर कैरेक्टर की अलग डिमांड होती है। श्रीकांत एक बहुत अलग फिल्म है, वो बायोपिक है, तो उसमें ऑफ कोर्स यू हैव टू मीट यू नो श्रीकांत अगेन एंड अगेन, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद रियल लाइफ विजुअली इंपेयर्ड पीपल, तो वो बहुत मेहनत का काम है, उसमें बहुत वक्त लगता है, वो किया था। पर फिर जहाँ पे विक्की की बात आती है स्त्री की, तो इट्स मोर अबाउट समर ने कहा विक्की प्लीज बात तो करने दो, विल आई लव यू टू गाइस, तो वो इट्स अबाउट मोर अबाउट हैविंग फन, जैसे अमन ने बताया कि हम सेट पे जाके ऑफ कोर्स कैरेक्टर समझ आ गया है, लैंग्वेज आपने पकड़ लिया है, बॉडी लैंग्वेज क्या वो सब कुछ आपके दिमाग में है, बट देन इट्स मोर अबाउट जस्ट बीइंग इन द मोमेंट एंड हैविंग फन इन द सीन, जो आई थिंक आप देखेंगे इस फिल्म में। आई थिंक जना और विक्की की जो आपको दिखेगी एक एक जो मस्ती है ना, वो बहुत ज्यादा निकल गया है इस फिल्म में, असली प्यार तो हमारे बीच में। डायलॉग इज नॉट दैट इजी सर। हेलो सर, डायलॉग जो किसी का एक भाषा एक बोली इतना आसान नहीं होता, बट आई थिंक यू हैव प्रूव दैट मेनी फिल्म्स दैट यू हैव, आई थिंक ये राज ने 5-6 पिक्चर में किया था। थैंक यू ब्रदर। अरे भाई कुछ माइक दिया उसको। हेलो सर, श्रुति सरा दिस साइड फ्रॉम बॉलीवुड क्रॉनिकल मिट्सन। सचिन, माय क्वेश्चन इज फॉर सचिन जिगर सर। सर, जैसा कि हमने देखा कि स्त्री वन में भी काफी जो म्यूजिक थी, सॉन्ग था, काफी ट्रेंडिंग पर आया था, और स्त्री टू के हमने ट्रेलर पे देखा इस बार म्यूजिक थोड़ी अलग लग रही है, तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि हर बार म्यूजिक थोड़ी अलग भी रहे लेकिन जो पिक्चर है उससे रिलेटेड रहे, पिक्चर को वो जस्टिफाई कर पाए? ये जैसे हमने कहा कि ये चंडाल चौकड़ी है, कोई भी एक डिसीजन कोई एक बंदा नहीं लेता, बल्कि जो चार जन हम लोग मिलके जो फिल्टर करते हैं, उसके बाद अगर कोई गाना आया तो हमको लगता है एटलीस्ट ऑडियंस को पसंद आएगा, क्योंकि मैं बहुत मासी हूँ, जिगर बहुत क्लासी है, तो हमारे बीच से जो फिल्टर होकर जाता है हमको यकीन होता है कि एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो ये जाएगा। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, ऑनेस्टली जैसे सर ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा मैड फिल्म है, बहुत ज़्यादा क्रेजी है, अगर मतलब किसी रीज़न के इसलिए इसलो नो किसी रीज़न के लिए इसको सीक्वल कह रहे हैं, तो आप अगर इसकी एल्बम भी देखोगे तो इसमें हर किस्म के गाने हैं, जैसे हमने गाया एक गाना अभी और एक बिल्कुल लॉन्डो का गाना है, इट्स अ सॉन्ग फॉर ऑल द बॉयज, एक लव सॉन्ग है, तो वैरायटी है, एंड वी आर होपिंग कि ऑडियंस के लिसनर्स के हर सेक्शन को कवर करने की कोशिश की। और देखिए, अगर ट्रेंड नहीं होता है फॉर एनी चांस, ऐसा होगा नहीं, तो हमारे साथ जो प्रोड्यूसर है वो बोलेंगे एक और गाना बनाओ, लेकिन हम ट्रेंड जरूर करवाएंगे, ये बात पक्की है। सो बॉलीवुड को काफी गाने दे चुके हैं गुजराती, रोमांटिक और कई सारे दे चुके हैं, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस होता है सर, वो कैसे एक दूसरे से डिफर करता है? देखिए, हर फिल्म का जैसे राज भाई ने अभी बताया कि डिमांड होती है, आई थिंक एटलीस्ट जिस तरह से मैडक में काम होता है, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हर प्रोडक्ट का न्यूक्लियस जो है वो स्क्रिप्ट होती है, वो एक भगवद गीता जैसे ही होती है हमारे लिए, क्योंकि तब पता चलता है कौन सा किरदार है, उसकी बोली क्या है, वो किस दुनिया में है, और फिर आपको पता चलता है कि आपको उससे कितना कॉन्ट्रास्ट जा सकते हैं यहाँ पे किस फिल्म में, जैसे है होने को ये हॉरर फिल्म, स्त्री वन भी अगर आपको याद हो है वो हॉरर फिल्म, लेकिन उसका एक भी गाना
गम नाम है, कोई ऐसा नहीं था. तो इस वी आर ट्राइंग टू एंटरटेन देन, वी आर ट्राइंग टू एंटरटेन यू मोर डबली नाउ सेकंड टाइम. हवा हाथ पकड़ा और बोली पिक्की प्लीज. यहाँ पे लोग बहुत बोल रहे हैं कि हॉरर कॉमेडी जॉनर को रीइन्वेंट किया, ऑफ कोर्स किया. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एंटायर यूनिवर्स इज डजंट इज दैट इट डजंट हैव अ टारगेट ऑडियंस. एवरीबॉडी इज द ऑडियंस फॉर अ फिल्म लाइक दिस. क्या बात है. एंड आप इधर आ जाओ. No, but genuinely I mean it because I watched Munjia with my niece who's 12 and I watched Munjia the same film with my mother and I think three of us enjoyed it. Three of us enjoy the world that you create through your films, through your projects. But yes, Stree was one of those films जिसमें ना जिसमें बहुत सारे memes आए थे. आप लोगों ने memes देखे हैं, पढ़े हैं? Because there were so many of them, like of course Winky Memes is one of the memes. Another one was Pankaj sir, आपके बारे में एक meme आता है, आया जाता है कि आपके हर पुर्जे में acting है, आप ऐसे हंस भी दो, ऐसे कुछ कर दो, तो उसको भी acting मत करो. How do you react to such memes and such compliments actually? नहीं, मैं meme बनाने वालों को धन्यवाद देता हूँ. बहुत creative. पहले मुझे लगता था कि काफी खलियर लोग हैं, free लोग हैं. फिर मुझे लगा कि नहीं, बहुत क्रिएटिव लोग हैं. थैंक यू उनको जो मीम्स बनाते हैं. Also, Raj, I want to ask you this because you've always been a fantastic performer. But Stree was that film, like he said, that was one of the first for many of you, first for you as well, which actually put you on a commercial map. Suddenly, the industry started looking at you like a superstar, which you are, which with your acting, you've always been that. Do you think that this was that film that changed people's, especially the industry and producers' perception of you? No, for sure. I think Stree is certainly right on top. But I was also saying Bareilly Ki Barfi also did that part. I think Dinu all, I remember because we were thinking about Stree and Dinu saw Bareilly Ki Barfi and he's like, "Arey, Raj to comedy bhi karta hai." Because before that, I was doing mostly dramas. So I think Bareilly put me in that different avatar where people saw me in doing something different from what I was doing earlier. But Stree definitely put me right on top there because it was a big blockbuster. It was the first, as Amar and Dinu said, it was the first for most of us sitting here. But I'm forever grateful to Stree. I think it has, and not only this Stree. I think मैं ये बहुत बोलता हूँ, बहुत दिल में डायलॉग है, पर हर मेरे जैसे शाहरुख सर का डायलॉग है कि हर इंसान की, हर मर्द की जिंदगी में तीन स्त्रियों का हाथ होता है. तो मेरी जिंदगी में भी है स्त्री, मेरी माँ स्त्री और मेरी पतरलेखा स्त्री और दुर्गा माँ स्त्री. Thank you. And Ma, how are you? Hey, how are you? Thank you so much. Thank you so much. Hey, how are you? Hey, how are you? How are you? I'm a double halo. But Stree Bengal, guys, set nahi hai. Stree Chanderi mein hi hai. Bolo. Ravi bhai. पंकज जी को भी समझ आई थी, उनकी भी अर्धांगनी जो है वो बंगाली, और ये तो खुद बंगाली जो खुद बंगाली उसको भी कुछ बोल नहीं रहा. ठीक है, तो पौरे पौरे चल हमारे पास भी है. दादा फैंटास्टिक. जय महाराष्ट्र. अरे बाप, एक तो भालो. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. दारू दारू खूब दारू. Thank you so much. Thank you. Very sweet. Thank you, members of the media, for all those questions.